तो दोस्तों फाइनली मैं अपने टिकी हैमस्टर के पास आ गया हूँ। तो मैंने हैमस्टर के लिए दोस्तों एक नया घर भी बनाया, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना। देखिए भी हैमस्टर कहीं अंदर ही में घुसा हुआ है, अभी मैं निकालूंगा उसको। कहाँ हो भाई, कहाँ हो, कहाँ हो, निकलो। है देखिए, देखिए दोस्तों आराम से सोया हुआ है। यार गर्मी नहीं लगती तुझे इतनी गर्मी में? तू इतना अंदर घास के सोया हुआ है, गर्मी नहीं लगती तुझे भाई? यार हम तो घर में बैठे बैठे यार गर्म से सड़ रहे हैं, और ये बेचारे, ये भाई साहब इतने अंदर में घुस के बैठे हुए हैं। इसको थोड़ा देर बाहर निकालता हूँ। ये देखिए दोस्तों अब ये बाहर घूरेगा, लेकिन ज़्यादा देर के लिए भी नहीं निकालना, क्योंकि दोस्तों ये ना ईंटें वगैरह के यहाँ पे घुस जाता है, घुस जाता तो निकलने का नाम नहीं लेता है। इसलिए अभी इसको बचा के रखने पड़ेगा। इसको मैं खीरा दूंगा अभी थोड़ा देर बाद, खीरा इसी में दे देता हूँ, तो ये अपना पकड़ के खा लेता है अच्छे से। और जब पकड़ के खाता है ना दोस्तों हाथ से, तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। अभी तो मेरे पास है ना खीरा, तो मैं आपको दिखाता। अभी देखिए ठीक ठीक अभी घूम रहा है ये। गर्मी नहीं लगती इससे यार, मुझे समझ नहीं आता। ओहो यार इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो गई यार कोलकाता में अचानक से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देख रहे दोस्तों सूरज एकदम सर पे है, आँख भी नहीं खुल रहा मेरा देखने के लिए, और पूरे एकदम सर पे घूमने आ रहा है। और दोस्तों हम लोग का हाल ऐसा हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ यार, छत तो लग रहा है एकदम जहन्नुम जैसा बन गया। दोस्तों हम 5 मिनट के लिए आते हैं, हमारा ऐसा हाल हो जाता है। सोचो हमारे परिंदे यार हमेशा जो छत में रहते हैं, उन लोगों का क्या हाल होता होगा। ये 9 बजे का धूप है दोस्तों, 9 बजे सुबह का धूप, और जब 11-12 बजे का, 1 बजे का, 2 बजे का, उस वक्त क्या हाल होगा यार, समझ में नहीं आता यार। मैं तो थोड़ी सी देर के लिए गर्मी लगती है, मैं यहाँ छाँव में आ जाता हूँ। ये जो शेड है यहाँ पे थोड़ा उधर से ज़्यादा कम थोड़ा सा धूप है, धूप तो है ही नहीं इधर, तो इसलिए आदमी को थोड़ा सा आराम रहता है। चले दोस्तों पहले कबूतरों को खोल लेता हूँ यार, उन लोगों को दाना देना भी ज़रूरी है, वो लोग बाहर निकल जाएँ, और वो जो बड़ा पेड़ा का दाना उसको मैं छीट दूँ। ये देखे दोस्तों सारे निकल जाओ भाई, उसका बच्चा ही माशाल्लाह बड़ा हो गया, देखें अच्छा खासा बड़ा हो गया। ये देखिए दोस्तों ये वाला जो कबूतर देख रहे हैं ना, ये कल भाई ने पकड़ा है, और मुझे कह दिया था कि ये बड़ा वाला पिंजरा नहीं खोलने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा है निकलने के लिए। ये कबूतर बहुत देर से निकलने के लिए उतावला हो रहा है, तो इसको मैं ध्यान से आज पिंजरा खोलूंगा, दाना पानी चेंज करूंगा, क्योंकि ज़रा सा भी कोताही से कबूतर उड़ सकता है। तो दोस्तों भाई दाना छीट देता हूँ मैं, सारे आके दाना खा लेंगे। क्यों तो बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ यार, छीट देता हूँ अच्छा से। आ जाओ भाई उस दरबे वाले कबूतर भी आ जाएंगे अब। तो दोस्तों कल जो बड़े भाई हैं वो एक नई मुर्गी भी लेकर आए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए डर रही है बहुत ज़्यादा। अरे खोलो ना यार, ये देखिए दोस्तों यही भाई वो नई मुर्गी है, ये अंडे देने वाली मुर्गी है, आप लोगों को देखकर समझ में आता ही होगा। माशाल्लाह ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है, क्योंकि मार भी रही है उसको कड़कनाथ मुर्गी को। अरे यार तुम बहुत चिल्लाते हो यार, हट, बहुत दोस्तों चिल्लाता है, मुझे समझ में नहीं आता। छोड़ो यार हटाओ, बंद कर देता हूँ। दोस्तों मैं इस वाले कबूतर के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था। ये दोस्तों एक चीक था, जब मैं इसे लेकर आया था मेरे दोस्त के घर में कबूतर का बच्चा निकला था, तो उसका माँ बाप दोनों ही मर गया था, तो वो अकेला इस चीक को पाल नहीं पा रहा था, तो उसने मुझे दे दिया, तो मैंने इसको अलहमदिल्ला अच्छे से पाल के उसके बड़ा कर दिया। ये देखे दोस्तों यहीं से आप लोगों को लगता होगा कितना अच्छा कबूतर बन गया है, तो माशाल्लाह इसको लग गया है, मतलब समझ लिए 5 से 6 महीने हो गया। 5-6 महीना पहले मैं लेकर आया था, तो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, हाथ से इसको खिलाना पड़ता था, तभी माशाल्लाह उड़ता भी है अच्छा खासा। अभी इसको उड़ाऊँगा नहीं दोस्तों, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं रख देता हूँ अंदर सेटअप में, वो वाले सेटअप पर। यार दोस्तों गर्मी की वजह से हमारे लवबर्ड और बजी दोनों का भी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये लोग देखें आप मुंह खोलकर सांस लेते हैं, हाँप रहे हैं। अब क्या करूँ यार गर्मी से सबका हालत ख़राब है, परिंदे क्या कहूँ, इंसान बोले, जानवर बोले, गाय बोले, बकरी बोले, सबका हालत ख़राब है। अभी तो छोटे से परिंदे, इनका तो और हालत ख़राब होगा। दोस्तों गर्मी आज इतनी ज़्यादा है कि मैं सोच रहा हूँ अपने मिनीचर चिकन को भी बाहर ना निकालूँ। देखो दोस्तों ये लोग अंदर में हैं, अभी अंदर में ठीक ठाक खेल रहे हैं, कूद रहे हैं आपस में, ये लोग ठीक से हैं, और कबूतर को भी ज़्यादा मारते नहीं है, तभी सोच रहा हूँ इन लोग को ना निकालूँगा। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, निकालूँगा बेफालतू का। गर्मी से क्या होता है दोस्तों, मुर्गी का जिगर ख़राब हो जाता है, उससे लोग बीमार पड़ जाती है, फिर मर भी जाती है, तो इन लोगों को नहीं निकालूँगा।
तो दोस्तों अभी अपने मछलियों की खुराक का समय हो गया है, तीन लोगों को मैं खुराक दे देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, सारे ऊपर आ जाएंगे। ये जो काली वाली जो मछली है ना हम लोग की, गोल्ड फिश, वो छोटी है तो इसलिए सबसे पहले आ जाती है खाने के लिए। ये देखें, और हमारा जो रेनबो है ये भी खा रहे हैं। इसका भी यार कोई पेयर नहीं है और इसका भी कोई पेयर नहीं है। हमारा जो रैंची गोल्ड फिश है दोस्तों, उसका पेयर है और ब्लैक वाली का भी पेयर नहीं है। क्या करूँ यार, सब जो लाया था वो मर गया। सकर फिश भी मैं लाने का सोच रहा हूँ दोस्तों, सकर फिश भी मैं लाने का सोच रहा हूँ, उसको भी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में लेकर आ जाऊँगा। अभी यही मछली को मैं अच्छे से पाल लूँ, कुछ डैमेज नहीं हो खाली। एक्वेरियम तो सही चल रहा है अपना। देखिए मैं दोस्तों मोटर भी चला कर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए मोटर भी चला अभी। अभी सारे मछलियाँ खाना पीना खा के, खाना तो खा ही लेते हैं, पानी में तो रहते, पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सब हैप्पी है। तो दोस्तों मैं पानी चेक कर लेता हूँ सेटअप में कि पानी आया कि नहीं आया आज। उम्मीद करता हूँ आ गया हो। आया तरीबा, पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म है दोस्तों, तो इसको थोड़ा देर छोड़ देता हूँ और पानी मेरा ख्याल से आएगा नहीं। इसको दोबारा थोड़ा देर वेट करना होगा, ये भी थोड़ा देर गिरेगा फिर बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग था यहीं तक था, आज के ब्लॉग कहीं पर करेंगे एंड। मिलेंगे इन अलग अलग नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कर दिएगा और मेरे इस चैनल हमदान राशिद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिएगा। तो मिलेंगे इन अलग अलग नए ब्लॉग के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।